ये मोती हमें समुद्र में पाए जाने वाले सीप के अंदर से मिलती है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया यानी सीप के अंदर ये मोती कैसे और किस चीज से बनते हैं? चलिए दोस्तों जानते हैं। दरअसल दोस्तों समय के साथ साथ सीप का साइज भी बढ़ना जरूरी होता है, इसलिए सीप अपने सेल को हार्ड बनाने के लिए एक लिक्विड का इस्तेमाल करता है जिसे नेकर कहते हैं। और मोती बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई भारी सेंटर सीप के अंदर एंटर करता है। आया हुआ सब्सटेंस सीप के अंदर इरिटेशन पैदा करता है, इस कारण सीप और ज्यादा मात्रा में उस लिक्विड मटेरियल को रिलीज करता है जिसकी लेयर से आया हुआ भार का सब्सटेंस ढक जाता है। कई सालों बाद हमें सीप के अंदर मोती मिलता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों सीप के अंदर बनने वाले सारे मोती गोल नहीं होते बल्कि ये कई शेप में बनते हैं जिनमें से गोल वाले सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दुनिया का सबसे बड़ा मोती साल 1996 में फिलीपींस में एक मछुआरे द्वारा खोजा गया था जो कि 2 फीट लंबा था और जिसका वजन 34 किलो था, जिसकी कीमत 10 करोड़ बताई गई। वैसे कि आपने कभी सीप वाले मोती देखे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और याद से बेल आइकन ऑल कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।